चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अडानी ग्रुप की वजह से इंडिया को कितना लॉस होने वाला है, हमें कितना लॉस होने वाला है, और क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड नमस्ते, मैं मोहित और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दुखद है क्योंकि आज मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया में एकता नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि यूनिटी जो कहा जाता है कि अगर यूनिटी हो तो हर एक चीज पार हो सकती है, वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और आज मैं अपनी कुछ राय शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इन सब फील्ड की, बट मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ और जो मैंने अभी तक न्यूज़ में देखा उसके बाद मुझे जो रियलाइज हुआ, मैं चाहता हूँ वो आप सभी को शेयर करूँ क्योंकि इससे हम सबकी नुकसान हो रही है, ना कि कोई बड़े लेवल का लॉस किसी को होने वाला है। एक्चुअल लॉस जो होने वाला है वो हम सबको होने वाला है जिन्होंने अपनी कमाई SBI में रखा हो या LIC में किया हो या फिर अडानी के स्टॉक्स में अपने कुछ कमाई रखा हो जिससे थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके हमें, और वो सब कुछ अब डूबने के कगार पे है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है, TRP के लिए किया जा रहा है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतनी राजनीति इस पे क्यों हो रही है। अभी तक एक बाहर की कंपनी आई हिंडनबर्ग, पता नहीं आज तक कभी ये भी नाम तक नहीं सुना था हमने, एक बाहर की कंपनी यानी कि अमेरिका की कंपनी इंडिया के बारे में डिस्क्लोज करती है और इंडिया वाले उसके बात पे चले गए, और मतलब बिना रिसर्च के। मैं ये नहीं कहने वाला आज के टॉपिक में कि अडानी पे जो भी इल्जाम लगा अडानी ग्रुप्स पे वो सही है, और ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि यूनिटी कहाँ है जो इतने राजनेता लोग और इतनी जो मार्केटिंग हो रही है TRP के लिए न्यूज में पूरे दिन भर। इससे अल्टीमेटली लॉस किसको हो रहा है ये किसी ने समझने की कोशिश तक नहीं की है। अल्टीमेटली अगर स्टॉक गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, बैंक वैल्यू गिर रहा है, तो पैसा जाएगा किसका? SBI ने इतने इतने पैसे लगाए हैं, इतने इतने LIC ने पैसे लगाए हैं, वो सब कहाँ जाने वाला है, किसका जाने वाला है? वो हम सबका जाने वाला है, बड़े लेवल वालों का कुछ नहीं होने वाला। अभी मैंने देखा अडानी एक टाइम पे सेकंड नंबर पे था कुछ टाइम पहले, अडानी ग्रुप्स की कंपनी, अब उन्होंने 15 नंबर पे आ गया या 16वें नंबर पे आ गया, चलो 20वें नंबर पे भी आ गया। वर्ल्ड में अगर वो दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति थे तो अब 16 और 20 भी आ गए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई उनके लिए? फिर भी उनके घर वैसे ही रहेंगे, गाड़ी वैसे ही रहेगी, कंपनी वैसे ही चलेगी, बट पैसे उनको कम नहीं होने वाला क्योंकि उनके पास करोड़ों करोड़ है, उसमें से कुछ करोड़ चला गया तो बस कुछ डाउन होगा, बट हमारे पास कुछ लाख है वो भी हमने गवा दिए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली ये जो लॉस जो हो रहा है ना वो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के हो रहा है जो हमने इन्वेस्ट किया होगा या फिर हमने बैंक में पैसे रखे होंगे या फिर हम कुछ उम्मीद कर रहे थे कि और बढ़ के मिले, और हम सब का एक सपना बहुत बड़े तरीके से टूटने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी इंडिया में कोई यूनिटी नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही होंगे और ये भी नहीं बोल रहा कि गलत होगा, बट ये जो अचानक से जो निफ्टी और सेंसेक्स या जो भी सब कुछ जो क्रैश कर रहा है, अडानी का सब कुछ, अडानी ग्रुप भी गिरा है, उससे लॉस हमें हुआ है। वो तो भाई 2 से 16 हो गया, 20 भी हो जाए, 40 भी हो जाए ना, फिर भी करोड़ों रहेंगे उसके पास, बट हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज यूनिटी तो दिखा दे। संसद में लड़ाई कर रहे हैं लोग, ये मतलब ये कांग्रेस विरोधी BJP विरोधी हो गया, स्टोरी समझ में नहीं आ रहा। ये कंपनी की बात चल रही है, लोग उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें इसमें SBI ने इतना बड़ा बड़ा पैसा लगाया हुआ है, LIC ने पैसा लगाया हुआ है, और ये सब कुछ सब कोई मिल के जो राजनीति स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने अडानी को गिराने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं वो कि पूरा उल्टा पुल्टा बकवास, बिना जांच के, बिना कुछ के बस बकवास किया जा रहा है। भाई किसी ने क्वेश्चन मार्क लगा लगा के ऐसी मार्केटिंग की है मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब न्यूज़ वाले तो क्वेश्चन मार्क लगा के अडानी डूब गया, अडानी फ्रॉड किया, बस आगे जाके क्वेश्चन मार्क, यानी कि टॉपिक पूरा कह रहा है उससे तहलका मचा रहा है, लोगों के घबराहट हो रही है लोगों के अंदर कि क्या होने वाला है, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में लगाया या कहीं भी लगाया है उनके साथ क्या होने वाला है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, राजनेता लोग का काम ये होता है, न्यूज़ वाले का काम ये होता है कि लोगों की हिम्मत को बनाए रखे अगर कुछ ऐसा हुआ है तो, बट वो तो उल्टा काम कर रहे हैं कि जितना गिरना नहीं चाहिए था उससे ज़्यादा गिराने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअल में टारगेट मोदी को किया जा रहा था कि मोदी को गिराना है, तो मोदी को और कोई तरीका मिला नहीं, तो एक नया तरीका मिला है अडानी ग्रुप को गिराने का जिससे मोदी को कनेक्ट करे, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी को गिराने के चक्कर में वो पूरा इंडिया को गिरा रहे, अडानी ग्रुप को गिराने के चक्कर में वो पूरा इंडिया को गिराने वाले हैं, और बहुत गंदा गिरेगा इंडिया। उसके बाद फिर मत बोलना कि क्या होने वाला है, और ये सोच रहे कि इस तरह से वो क्या करूं मैं तो समझ नहीं आ रहा, कुछ ही पैसे लगाए थे वो भी कगार पे आ गया है, समझ में आ गया कि कहाँ लगा दिया। अल्टीमेटली हमारे टीम में, हमारे इंडिया में कोई यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। थोड़ा इंतजार कर लेता, थोड़ा न्यूज़ को और रिसर्च होने देता, थोड़ा थोड़ा
थोड़ा सा किसी अपने इंडियन से किसी से रिसर्च करवा लेता कि जिन्होंने वो लोग बोला है वो सही है नहीं है, फिर इतनी राजनीति की जाती। पहले ही इन्होंने मान लिया है कि वो गलत किया ही है और पूरा बकवास करना है न्यूज़ में आके। मैं तो कल देख रहा था, 5-6 टीम मिल गई, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सब अपने अपने राय फाकवास दिए जा रहे हैं, कभी ये किया है कभी वो किया है। मुझे तो एक बात और नहीं समझ में आया कि जो अभी का स्टोरी चल रहा है कि बीजेपी की वजह से अडानी ग्रुप इतना आगे बढ़ गया। भाई साहब, बीजेपी 2014 में आई है, उससे पहले से अडानी के पास बहुत पैसे थे, ठीक है ना, तो वो पैसे कैसे आ गए? वो भी मोदी ने घर बैठे दिए थे उसको। तो थोड़ा तो दिमाग लॉजिक से बात करो, क्या बात कर रहे हो। उसके पास जीरो था मान लो, तो उसमें अगर उन्होंने 10 गुना बढ़ाया अपना पेमेंट 2014 तक, अपनी इनकम को ग्रोथ की, तो जब 10 गुना वहां पे बढ़ा, तो 2014 से अभी भी 10 गुना ही बढ़ा है ना, तो वो तो अपना 10 टाइम्स ही इंक्रीज कर रहे हैं। वो गिनो ना, उस टाइम पे जीरो से वो 10 टाइम्स में आए थे, तो फिर 10 टाइम्स यहां से बढ़ेगा ना 10 से, तो 10 × 10 होगा, फिर 100 बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, जब जीरो से हुआ था। तो लॉजिक पे तो बात करो यार, दोनों ही टाइम में उन्होंने पैसे कमाए हैं, उस टाइम पे कम था तो कम का गुना कम होता है, और ज्यादा था अभी 2014 तक में, तो ज्यादा का गुना ज्यादा ही होगा, कम कैसे हो जाएगा। तो लॉजिक लगाओ, माइंड तो लगाओ, थोड़ा सा कुछ भी बकवास कर देना है, कहीं भी कुछ भी आके कहना है। जितना मैंने देखा है, 90s में उसने कंपनी खोली थी, तो फिर 2014 में इतना अमीर बना कैसे? उस टाइम पे किसकी किसकी मतलब कौन सा राजनेता लोग का काम था? तो बढ़ा ना, वो अपने मेहनत से बढ़ा या जो भी करके बढ़ा भाई, उस बढ़ा तो तब वहां से मान लो 1 रुपए से वो 10 रुपए पे आ गया, और मतलब 10 गुना बढ़ा लिया उसने 2014 में, 90 से 2014 तक। अब 2014 से 2023 चल रहा है, फिर वही सेम वो 10-12 साल में अगर 10 गुना कर लेता है तो कितना होगा? वही 10 से ना 10 गुना होगा, तो 10 से 10 गुना 100 होता है ना भाई। तो अभी तो ज्यादा लगेगा ही कि उसने अभी ज्यादा इंक्रीज किया है, बट ऐसा नहीं है, वो 10 टाइम्स ही किया है, वो पहले भी 10 टाइम्स किया था, अभी भी 10 टाइम्स ही कर रहा है, बट वो बड़ा अमाउंट से 10 टाइम्स कर रहा है, इसलिए लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा लॉजिक पे बात करो, मुझे नहीं समझ में आता, कोई पढ़े लिखे है भी कि नहीं, बस बकवास करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, बट इतना तो लॉजिक हमें भी समझ में आता है कि पैसे का गुना कितना होता है और किस पैसे का कितना गुना होता है। 10 का गुना कितना हो जाएगा? उतना ही 10 टाइम्स में, और 1 का गुना कितना होता है 10 टाइम्स में, ये सब हमें भी पढ़ा हुआ है। तो प्लीज़ यही कहना चाहते हैं, एटलीस्ट इंडिया में एक यूनिटी तो क्रिएट करे। एक यूएसए की कंपनी आके इंडिया के बारे में कह रहा है, और हम सब आँख मूंद के भरोसा करके पूरी मार्केट को क्रैश कर दे रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं, संसद में देख रहे हैं हंगामा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टोरी होने वाली है आगे जाके, और कितना क्रैश करने वाला है, और ये सब कोई लॉस एक्चुअल में होने वाला है SBI को, LIC को और हम जैसे लोगों को, और किसी को इसका लॉस नहीं वाला है। लोग सोच रहे इससे अडानी को लॉस होने वाला है, लोग सोच रहे इससे मोदी को लॉस होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये जो न्यूज़ वाले कर रहे हैं ना, और जो राजनेता करके अपने लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, उससे लॉस सिर्फ हमें होगा, SBI डूबेगा हमें लेके डूबेगा, LIC डूबेगा हमें लेके डूबेगा, और हम अपने पैसे तो खुद ही लेके डूब ही रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ यूनिटी क्रिएट करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा लॉजिक पे टॉपिक पे बात करें, बकवास ना करें। मुझे तो ये नहीं समझ में, एक बाहर की कंपनी ने जब एक न्यूज़ प्रसारण किया भी तो इतना पब्लिकली कैसे हो गया वो? मतलब जाहिर सी बात है, कोई इंडिया वाले ने इतना फैलाया कि हर घर घर की बात हो गई, तभी तो इतना डिप्रेशन हो गया, लोगों के रेट गिर गए, सेंसेक्स गिर गया, अडानी के पूरे शेयर्स गिरते जा रहे हैं सारी कंपनीज, तो यानी कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की गई है। तो ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है, इसको तो थोड़ा सोचने की कोशिश करो। इसी तरह सेम कोरोना में एक चाइना ने अटैक करवाया, कोरोना की वजह से इंडिया क्रैश किया, फिर से इंडिया जब ग्रोथ करने के ऊपर चढ़ा, फिर 2022-2023 में अच्छा ग्रोथ मिल रहा था, फिर एक आई यूएसए कंपनी ने इंडिया को डुबाया, ये सब एक प्लान है इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने का। मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा है कि इंडिया की ग्रोथ को कम करने के लिए हर कुछ सालों में ये सब कहानी की जाती है, जिससे इंडिया डूबेगा, और इंडिया डूबेगा तो हमारी ग्रोथ रुकेगी, हमारी ग्रोथ रुकेगी तो ना तो हमारे पास पैसे आएंगे, ना ही हमारे पास जॉब्स आएंगे, ना ही कुछ भी आएगा। ये जो कहानी बन रही है, अभी क्या लगता है, मोदी गिर जाए, मान लो चलो सरकार ही गिर गया 2024 में, सपोज कांग्रेस आ भी जाए, और इतना स्टॉक मार्केट से गिरने की वजह से हमें SBI को लॉस हो गया हो, LIC को लॉस हो गया, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे फिर से रीबिल्ड करने का? फिर टाइम लगेगा ना, अल्टीमेटली टाइम ही लगेगा। और यही अगर ठीक ठाक चल ही रहा था तो क्या ज़रूरी था, अंदर अंदर ही जितना जांच कराना था करा लेता, एटलीस्ट उससे पैसे रिकवरी करा लेता सबके लिए, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता, जितना करना है करो ना, अटैक कौन मना कर रहा है, बस जांच पड़ताल करके अपने इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के, अपनी जनता को ध्यान में रख के ये सब किया होता कि उनकी पैसे ना डूबे, कि उनके पास तो बहुत है, अडानी के पास बहुत पैसा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो 2 नंबर से 20 नंबर पे आ गया, 100 पे आ गया भाई, वर्ल्ड का 100 नंबर पे भी होगा ना तब भी वो करोड़ों में होगा, तो ये बात मत भूलना। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि
पैसे हमारे जाएंगे, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी स्टोरी जो है ना वो हम सब पे आके खत्म होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, और राजनेता लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लॉजिक पे बात करिए। मुझे समझ नहीं आता आप लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं ये सब बकवास चीजें, और बकवास करते अगर करते भी हैं तो प्लीज ये तो सोचिए, अपना जनता को सोचिए। आप ही ना कह रहे कि जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो जनता की भलाई इसमें है कि आप उनका पैसा डुबा रहे हो उल्टा पुल्टा कहानी फैला के? इतना ही प्लान करना था तो जाके उस पर रेड मारिए ना, अपना अंदर से कुछ करिए। बाहर में इतना घबराहट क्यों लोगों के अंदर ला रहे हैं, डर क्यों ला रहे हैं, मार्केट को क्यों गिरा रहे हैं? थोड़ा इतना पूरा प्रमोशन कर रहे हो, न्यूज़ वाला अपना टीआरपी के लिए दिन भर यही दिखा रहा है, दुनिया भर की कहानी छोड़ के बस यही सब करना है, लोगों को डरा के उनका मतलब पूरा डरा देना है और कुछ नहीं करना है। भाई रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। भाई अडानी डूबेगा तो हम सब डूबेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो हम सब बच जाएंगे। अगर अडानी डूबेगा भी नहीं, मैं ये गारंटी बोल रहा हूँ, बस इतना ही होगा उसके पैसे घट जाएंगे, बट करोड़ों में ही रहेगा और हम सब पूरे डूब जाएंगे। यही मेरा कहने का टॉपिक है। और मोदी को जो भेजने का कोशिश, ये जो पूरा प्लानिंग चल रहा है, उससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। अगर वो चला भी गया तो जो भी आएगा उसके पास भी तो पैसे होने चाहिए देश को चलाने के लिए। भाई साहब अडानी ग्रुप डूबेगा तो कितनी की नौकरी जाएगी ये भी सोचा है कभी? कितनी GDP कितनी बड़ी गिरेगी कभी सोचा है? SBI की, SBI, LIC, अडानी और कितने सारे ग्रुप्स जो नीचे जा रहे हैं इंटरप्राइजेस होके, बहुत कुछ हो रहा है। इससे अल्टीमेटली पैसे कम इंडिया के होंगे, GDP कम इंडिया का होगा। जब ग्रोथ रेट कम होगा तो आप कहाँ से भेटोगे, कहाँ से बैठोगे पैसा? कुछ तो सोचो, दिमाग तो लगाओ, इंडिया को तो बचाओ कम से कम। हम ये नहीं कह रहे कि आप अडानी को बचाओ या क्या करो, इंडिया को बचाओ, इंडिया की पब्लिक को बचाओ। उसके लिए ध्यान दो, आपको इसलिए चुना जाता है कि इंडिया के पब्लिक को आपको बचाना है, ना कि किसी ग्रुप्स के लिए बात करना है। यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉलो करें मेरी बात को, थोड़ा ध्यान दें और इसको जल्द ठीक करने की कोशिश करें। उसके ऊपर आप जो भी करना है करो, बट थोड़ी सी पब्लिक को थोड़ा संभाल के, सोच समझ के, उसके पैसे का ख्याल रख के आगे प्रोसेस करो, प्लीज़। यही रिक्वेस्ट करें, धन्यवाद, थैंक यू।